तो वही कावा मूर्ति प्रकरण विवाद में हुई कांग्रेस की एंट्री और कांग्रेस नेता और साथ ही पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह, इसके अलावा भरतपुर सांसद संजना जाटव, पूर्व मदन मोहन सिंगल, इसके अलावा जुड़हेरा रोड स्थित अम्बेडकर पार्क पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मूर्ति खंडित करने की घटना की निंदा की। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा गया कि मूर्ति तोड़ने वाले आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा, प्रशासन जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे, उनके साथ ही भरतपुर से सांसद संजना जाटव जो है वो यहां पर पहुंची है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निंदा की और साथ ही कहा है कि जल्द ही पुलिस प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी करे। साथ के साथ ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंबेडकर सर्कल पर धरने पर बैठे पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। कामा में ये जो पूरा मूर्ति प्रकरण है जहां पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया और इसी को लेकर अब कांग्रेस की भी एंट्री हुई है इस पूरे मामले में। जो समाज के लोग हैं उनके साथ धरने पर यहां पर बैठे और निंदा की है। सहयोगी देवेंद्र लगातार इस पर नजर बनाए हुए। देवेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर विश्वेंद्र सिंह, संजना जाटव जो है वो मौके पर पहुंची, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया और फिलहाल मौजूदा क्या कुछ तस्वीरें? देखिए अंकुर, इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट तो ये है कि जो कामा SHO है मनीष शर्मा, उन्होंने विश्वेंद्र सिंह को, जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उनको ये जानकारी पब्लिक के सामने दी कि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उस आरोपी की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर पुलिस ने की है, जिसकी अभी ऑफिशियल घोषणा कर दी जाएगी। इस तरह की जानकारी कामा SHO मनीष शर्मा ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह है उनको वहां उनके पूछने पर दी। इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह ने यहाँ पर बयान देते हुए कहा कि विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मामले में राजनीतिक रोटियां नहीं सेके लोग, अब ना तो कोई चुनाव है ना इसमें राजनीति होनी चाहिए। विश्वेंद्र सिंह ने बोले कि विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि घटना के बारे में मुझे देरी से पता चला, मुझे लोगों ने बताया नहीं, मुझे देरी से पता चला इसलिए मैं देरी से आया हूँ, लेकिन आप सब लोग मेरे अपने हैं, मेरे अपने, मेरा आपसे लगातार 14 पीढ़ी का नाता है और 36 कौम के लोग मेरे अपने हैं। उन्होंने ये बात कही, साथ ही उन्होंने कहा कि वो लगातार इस इलाके से पहले सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही है और लगातार उन्होंने कहा कि उनके लिए ना कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, ना बीजेपी इंपॉर्टेंट है, ना वो हिंदू इंपॉर्टेंट है, ना मुसलमान इंपॉर्टेंट है, वो सब उनके परिवार के लोग हैं, भरतपुर राज परिवार के लोग हैं और यहाँ सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए, कोई भी इसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करे। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो चुनाव भले ही हार गए लेकिन वो इतने कमजोर नहीं है, अभी भी उनमें वजन बहुत है, उनकी बात को कोई हल्के में ना ले, अगर कोई इस तरह की गलतफहमी रखता है तो अपनी गलतफहमी दूर निकाल दे, मुझे अपनी अपनी पर आने के लिए कोई मजबूर ना करे, इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि भरतपुर का जो सामाजिक सौहार्द है, कामा का जो सामाजिक सौहार्द है, जो पूरे जिले का, जो भले ही अब दो जिले हो गए लेकिन दोनों जिलों का जो सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे, यही मेरी कोशिश है और इसमें सभी लोगों को, जो जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनकी पहचान कर ली गई है और पुलिस प्रशासन से बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। जी बिल्कुल। देवेंद्र, क्या अब भी मौके पर विश्वेंद्र सिंह और सांसद और तमाम कांग्रेस के नेता जो पहुंचे थे, क्या अब भी वहीं पर मौजूद हैं? देखिए सांसद संजना जाटव ने भी यहाँ पर यह बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने SP से बात की, मैंने डी कलेक्टर से बात की, DSP से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जानकारी जो पूर्व मंत्री है विश्वेंद्र सिंह उनको दी और साथ ही वो खुद मौके पर पहुंची, उन्होंने कहा कि उनकी संवेदना इस पूरी घटना के साथ है और इस घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी बात करें तो अभी लोग वहां से वही मौजूद है, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हालांकि विश्वेंद्र सिंह का अपना एक प्रभाव है, उन भरतपुर राज परिवार से आते हैं, महाराज सूरजमल की वंशज है, चुनाव भले ही लेकिन उनका एक औरा है, एक कद है जो पब्लिक के बीच में है, हर कोई उनको सम्मान देता है, श्रद्धा से उनके सामने सर झुकाता है और प्रशासन भी ने भी जो बात कल बीजेपी की विधायक को नहीं बताई वो बात आज उन्होंने विश्वेंद्र सिंह को बताई और कहा कि हमने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है, नई मूर्ति लगा दी जाएगी और इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना चाहिए। एक तरीके से कहें कि विश्वेंद्र सिंह यहाँ पर संकट मोचक की भूमिका में प्रशासन के लिए नजर आए और उन्होंने ये भूमिका यहाँ पर अदा भी की, हालांकि अब तक ये चल रहा था कि किसको क्रेडिट दे किसको नहीं दे, लेकिन जहां बात विश्वेंद्र सिंह की आई तो विश्वेंद्र सिंह यहाँ आज भी भले ही चुनाव हार गए लेकिन वो यहाँ पर प्रभावी दिखे और प्रशासन उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, आज भी उनका प्रभाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देवेंद्र आप बने रहे हमारे साथ, तो पूरे मामले में एक अपडेट और महत्वपूर्ण सामने आ रही है, ये भी हम दर्शकों को बता देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति प्रकरण से जुड़ा हुआ मामला और इस मामले में कामा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। कामा SHO मनीष शर्मा
ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को सभी के सामने इसकी जानकारी दी। विश्वेंद्र सिंह ने लोगों से कहा कि मामले में राजनीतिक रोटियां नहीं सेके लो। भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति प्रकरण से जुड़ा यह पूरा मामला है और इस मामले में जब कांग्रेस की एंट्री हुई और खुद पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो है वो मौके पर पहुंचे, इसके अलावा भरतपुर से सांसद संजना जाटव जो है वो मौके पर पहुंची, तो पुलिस जो है वहां पर SHO उन्होंने जानकारी दी कि पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और CCTV फुटेज और तमाम जो सबूत मिले उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद विश्वेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अब कोई चुनाव नहीं है तो ऐसे में कोई राजनीतिक रोटियां जो है वो नहीं सेकी जानी चाहिए बल्कि जनता के लिए काम होना चाहिए, उनकी पीड़ा जो है वो समझी जानी चाहिए। और देवेंद्र जो है वो लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए थे। देवेंद्र, पूरे मामले को लेकर आपने जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।